पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3:19 से पढ़ेंगे हम। जहां पे ऐसे लिखा, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बताए वही करते हैं और उसकी आज्ञा जे है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमसे आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और उसकी आज्ञा को, जो उसकी आज्ञाओं को मानता और उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया हम जानते हैं कि हमें बना रहता है। आमीन, हालेलुया। तो कैसे लिखा, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य से। अगर हमारा मन हमें दोष दे तो लिखा उसके सामने हमें हयाब नहीं होता। हयाब मतलब हमारे मन के अंदर दिलेरी नहीं आती कि यह काम मेरे लिए हो सकता कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपका मन क्या कर रहा है, दोष दे रहा है। लिखा उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सको। ढांढस मतलब हौसला, क्योंकि आपके पापों के लिए कौन क्रूस पर मरा, आपके जीवन के सब काम किसने पूरे कर दिए, आपके तमाम दुखों को किसने क्रूस पर उठा लिया, किसके कोड़े खाने से आप चंगे हो, किसके जीवन देने से आपको परमेश्वर ने आजाद किया और आपको पृथ्वी की और स्वर्ग की लिखा आशीषें अफिसियों की 4 में लिखा दे दिए, देगा नहीं दे दिए। पर जिसका मन उसे दोष दे रहा इसलिए दिलेरी नहीं आती कि मैं मुझे मुझे मेरा यह काम हो सकता है, मेरी पथरी निकल सकती है, मेरी रसौली, मेरी गिल्टी, मेरी शुगर जा सकती है, मेरा यह काम हो सकता है, मेरा हार्ट जो काम नहीं करता, मेरा ये काम वो काम हो सकता है, उससे हो सकता है, मेरा पति नशा करता है, मेरे बेटे के पास काम नहीं है, मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास बेबी नहीं है लंबे समय से, जिसका मन दोष देता है। लिखा वो ढांढस दे सकता, अपने मन को हौसला दे सकता है। जैसे दाऊद कहता हे मेरे मन, ऐसे बाट भजन सहता जबूर बाट की 8 में ऐसे लिखा, दाऊद कहता हे मेरे मन चुप, ऐसे डांटता उसे, जैसे आपका मन आपको दोष देता, दाऊद कहता चुप, क्योंकि मेरी आशा किससे, दाऊद कहता मेरी आशा उससे, वो कहता चुप रहे। जब आप भी ऐसे करोगे फिर आप लंबा सफर नहीं करोगे। आप अपने मन को जब समझाओगे क्या करोगे, ध्यान से सुनो सब, जब आप अपने मन को आप समझाओगे कि चुप कर रहे मेरी आशा मेरे खुदा से, इसी लिखा परमेश्वर आपके मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, क्या है पर लिखा हम अगर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आप में बना रहेगा और आप अगर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तो वो आप में बना रहेगा। जैसे यूहन्ना 15:7 में ऐसे यीशु मसीह ने कहा ना, अगर मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहोगे मांगोगे क्या हो जाएगा, वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर कब होगा, जब मेरा वचन तुम में बना रहेगा, क्या रहेगा, जब तक मेरा वचन अगर आपके अंदर बना नहीं है, जैसे अब्राहम के अंदर वो वचन बना नहीं रहा तो उसने 24 साल वो भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा। ऐसे भी आज लोग भूल रहे हैं कि किसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, लोग भूल रहे हैं, इसलिए आज लंबा सफर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर आपको राई के दाने जितना भी विश्वास है तो आपके लिए हो गया। अगर आपको लोग कहते हैं विश्वास करते हैं हम जी विश्वास कर, हाँ जी ताई तो आई,
विश्वास करते हैं। तो उसने कहा अगर आपको राई के दाने जितना भी विश्वास है तो आपके लिए हो गया। क्या है? हो गया। ये लोग आज भी बैठे यीशु मसीह के पास, जब अंधे आए तो उन्हें पूछा मैं तुम्हें अच्छा कर सकता हूं, बोले यस। अब किसके पास आए हो? हाँ, अब किसके पास हो? एक ओड़ी आया यीशु मसीह के पास, उसने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे साथ हो। इसी लिखा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हा? पर उन्हें नियम का नहीं ना पता, क्योंकि वो शरीर पर मन लगाकर बैठे और भूल रहे हैं कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने क्या किया। वो भूल रहे हैं, इसीलिए वो लंबा सफर कर रहे हैं। हा? क्या कर रहे हैं? वो लंबा सफर कर रहे हैं, लंबा, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे? वो ध्यान नहीं दे रहे कि मेरे लिए मेरे खुदा ने, मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया। तो उसने सब कुछ पूरा कर दिया है, करेगा नहीं, कर दिया है। इसलिए बस आपने जैसे यीशु मसीह का, अगर राई के दाने जितना आपके मन में विश्वास है तो आपके लिए हो गया। कुछ लोग कहते हैं अगर उनसे पूछो ना कितना विश्वास, वो तो बड़ा विश्वास करते हैं। बड़ा विश्वास है जी, पर बड़े से नहीं। उसने कहा राई के दाने जितना भी आपको विश्वास है तो आपके लिए हो गया। करते हो विश्वास आज? करते हो? करते हो विश्वास आज? आपके सब काम हो चुके हैं। मैंने कहा आपके सब काम यीशु मसीह में हो चुके हैं। अगर आपका मन आपको दोष ना दे, क्या ना दे, और उसका वचन आप में बना रहे तो वो आप में बना रहेगा। इसलिए उसने कहा जो चाहोगे फिर वही आपके लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप जो मांगोगे, जो चाहोगे आपके लिए वही होगा, अगर उसका वचन आप में बना रहे और आप उस बात में बने रहे। अब्राहम बना नहीं ना रहा, इजरायली बने नहीं रहे, इसलिए 40 साल लगाए, भूल गए कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हमें छुड़ाने के लिए, वो भूल गए, इसलिए उन्होंने लंबा सफर किया। अगर आप चाहते हो, क्या हो, अगर आप चाहते हो हम लंबा सफर ना करें तो आज से अपनी बुद्धि, अपना जो तरीका, उसे बंद करो। क्या करो? अपनी बुद्धि, अपना तरीका बंद करो। किसकी सुनो और किसके साथ चलो? किसकी सुनो और किसके साथ चलो? समझते हैं? क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आमेन, हालेलुया।